ओए, अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती। लेकिन जल्दी में तो तुम लग रहे थे। ओ बहन जी, तुझे कॉलेज में ढुकने किसने दिया? तुझे पता है ये शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, शहर के बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। तुझे देख के तो लग रहा है कोई फैंसी कंपटीशन में जा रही है। हाँ, यहाँ पे क्या करने आ गई? एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अब ये कवार को इंग्लिश बोलना भी आता है? देख के तो लग रहा है कहीं नौटंकी दिखाने जा रही है। हा? तुझे शर्म नहीं आती? कब से इंसल्ट कर रहा हूँ, निकल यहाँ से। ओ हेलो, पहले मेरी बात सुन लो। ओ, तेरी बात सुनने के लिए खड़ा नहीं हूँ मैं, समझी? तेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ी हो। जाके पहले तमीज सीख, अब निकल यहाँ से, या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुला के धक्के मार के निकलवाऊंगा। चल निकल। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपकी फाइल्स वो गाड़ी में रह गई थी। मैडम, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी, इसके बिना मीटिंग नहीं हो पाती। ओह एक्सक्यूज मी। अच्छा भाई, ये कॉलेज के न्यू लेक्चरर है क्या? नहीं नहीं भाई, तुम इन्हें नहीं जानते, ये इस कॉलेज की मालकिन है। इनका नाम है अनुष्मिता सिंह, बहुत अच्छी इंसान है, सबकी मदद करती है। गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए इन्होंने स्कूल बनवाया है। और यही नहीं, मेरी बहन की शादी थी तो उसकी शादी का सारा खर्चा भी मैडम ने ही दिया था। और इनके एक नौकर के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, तो वो पैसे भी मैडम ने संग संग दे दिए थे। विदेश में पढ़ने के बाद और करोड़ों की मालकिन होने के बाद भी इनमें ज़रा भी घमंड नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, मुझे अपना गलती का एहसास हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये कॉलेज आपका है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ओह तो यू सॉरी नाउ, कुछ देर पहले तो तुम मुझे देहाती और गवार समझ रहे थे, तुम मुझे अपनी औकात दिखा रहे थे। क्या फ़ायदा तुम लोग का इतना एडुकेटेड होने का, जबकि किसी के साथ बात करने की तमीज़ ही ना हो। और क्या प्रॉब्लम है मेरी साड़ी पहनने से? साड़ी पहन के कोई कॉलेज नहीं आता क्या? एडुकेशन पर सबका हक होता है, अमीर से लेके गरीब सब पढ़ सकते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा कॉलेज क्यों ना हो। आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आज अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम दोबारा भी यही गलती करोगे। तो एक काम करना, 2 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना, तब तक घर बैठ के अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी तमीज़ सीख लो। कॉलेज में एंट्री तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी श्योरिटी लेंगे। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक चांस मुझे दीजिए, प्रॉमिस करो तब फिर दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। 2 महीने बाद मिलना अपने पेरेंट्स के साथ। यू मे लीव नाउ। हम कॉलेज से मत निकलो। लीव। चलिए। आइए मैडम।